पुंडरी विधानसभा क्षेत्र से आजाद उम्मीदवार नरेंद्र शर्मा ने गुरुवार को कैथल के मिनी सचिवालय में एडीसी राहुल हुड्डा को अपने नामांकन पत्र जमा करवाए। नरेंद्र शर्मा अपने समर्थकों के साथ मिनी सचिवालय पहुंचे थे। पुंडरी के मतदाता पिछले 5 चुनाव में आजाद उम्मीदवार को ही चुनकर विधानसभा में भेज रहे हैं। पुंडरी से आजाद उम्मीदवार के जीतने का सिलसिला 1996 में नरेंद्र शर्मा की जीत से शुरू हुआ था। उस समय नरेंद्र शर्मा मंत्री भी बने थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद नरेंद्र शर्मा ने अपनी जीत का दावा किया। नरेंद्र शर्मा ने कहा कि पुंडरी की जनता किसी पार्टी को नहीं जानती, पुंडरी से आजाद उम्मीदवार ही जीतेगा। आइए नरेंद्र शर्मा की यह बाइट सुनते हैं। अब की बार मैंने पुंडरी से निर्दलीय के रूप में चुनाव नॉमिनेशन भराया। उम्मीद तो यह है कम जीत चुके इलेक्शन जीते, अभी तो पूरे नॉमिनेशन आने दो, टक्कर में कौन आता है तो बात ही पता लगे कौन कौन नॉमिनेशन बढ़ता है। पुंडरी हल्का कोई पार्टी पुट्टी का यहाँ चक्कर नहीं है, यहाँ तो सबके निर्दलीय चलता है। पुंडरी हल्के से किसी पार्टी का चक्कर नहीं है, यहाँ तो जाति बढ़ा था जाति बढ़ेगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। पुंडरी विधानसभा चुनाव के नतीजों के बारे में दो शब्द भी कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबा दें ताकि हमारे हर एक नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद।